तो आज हम बात करेंगे वाटर पार्क की। और सब लोग गए ना वहां पर, सबने एक एक बार ये छिछोरापन किया है ना, सबने छिछोरापन किया है। और वाटर पार्क में आप लोग जाओ, आपको ऐसा लगता है लोग बावले से हो जाते हैं, बिल्कुल पागल, इनको ऐसा लगता है नस नस में पानी भर लो। और फिर आपको रियलाइज होता है कि इंसान के मंदबुद्धि होने के लिए सिर्फ आयोडीन की कमी जरूरी नहीं है, कभी कभी क्लोरीन की अधिक मात्रा भी वो करवा देती है। और वाटर पार्क में आप लोग जाओ, सबसे पहले एक सेक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं चेंजिंग रूम, जहां जाके आपको पता चलता है अच्छा कौन कौन जिम नहीं जाता। और जिंदगी में कुछ भैयात ना देखा हो ना कभी, तो चले जाना वाटर पार्क के रेन डांस वाले झूले में, जहां पर अधेड़ उम्र के अंकल मोटी तोन, छाती पे बाल, बगलों में मस्से और स्ट्रेच मार्क्स लिए नाच रहे होते हैं ब्रादी। बच्चों को कंधे बिठा रहे, बच्चा रो रहा है, उधर 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 ना, तेरे बाप ने 450 दिया, ला 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 ब्रादी। व्हाट अ सॉन्ग इज दिस ब्रादी। वाटर पार्क में ना दो तरह के लोग जाते हैं, एक होते स्विमर्स, एक होते नॉन स्विमर्स। तो जो स्विमर्स लोग हैं ना, उनके पास खेलने के लिए अलग गेम्स है वाटर पार्क में, डीप वाटर डाइविंग, बटरफ्लाई, बैकस्ट्रोक। जो बेचारे नॉन स्विमर्स हैं, उनके पास खेलने के लिए सिर्फ एक गेम होता है, भाई नाक बंद करके तैरती लाश बन के दिखाओ, तैरती लाश है, तैरती लाश, ये रे तैरती लाश, तैरती लाश बन के दिखाओ। और इतना भेदभाव होता है वाटर पार्क में, मतलब अगर गलती से लड़की पूछ ले भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, ये राइड सेफ तो है ना पक्का, और अटेंडेंट हाँ मैम इट्स एब्सोल्युटली सेफ, आप मेरे साथ आइए, बॉडी को ढीला छोड़ेंगे, लंबी सांस भरेंगे, आराम से जाएंगे, 1 2 3 here we go, here we go। कितनी ममता बरस रही है, यही लड़का पूछ ले अबे बैठो यार तुम लोगों की वजह से भीड़ भरती आ रही है, चल निकल। जिस वाटर पार्क में मैं गया था ना, वो था गाजियाबाद में, और वहां बन गया एक गोताखोर गैंग, भाई गोताखोरों ने गोते लगा लगा के आंटी की पजे पायल बिछुए चुरा लिए, पूरे वाटर पार्क में हाहाकार मच गया। और यहाँ कोने में खड़ी मेरी एक बनिया मौसी, दीदी हम तो बच गए, हम तो आर्टिफिशियल पहन के आए थे। और वाटर पार्क में पोस्चर क्या होता है, जो फिसलने वाली राइड होती है उसमें पोस्चर क्या होता है, ये जिंदगी की सबसे रिलैक्सिंग पोजिशन है जो आदमी रिटायरमेंट के बाद लेता है, यहां मुझे अपनी नाभि के नीचे सिर्फ मौत नजर आ रही है, इसको लग रहा है मैं रोहित शेट्टी हूं। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस, मैं चाहूंगा अरशद जी से, अरशद जी आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया था यार, तुम्हारे जो जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया और जिस तरह पंचेस बोले हैं आपने, और यहाँ पे परी मेरे को लग रहा था कि यहाँ से कूद कूद के हंस रही थी यहाँ पे, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा, सो आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट, और जो एंट्री मारी आपने वो बिल्कुल ही वाहिया डांस करके बहुत अच्छा था। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है परिणीति को लेके, लाइक ईच टाइम ही मेंशनड अ पर्सन, परिणीति एक्चुअली रिमेंबर्ड है। मुझे लगा हाँ वो अंकल मेरा देखा हुआ, हाँ मुझे पता है। इस एक्ट का बेस्ट मोमेंट में पागल हो गई जैसे जब उसने बोला 1 2 3 here we go।